ओम शांति। मनुष्य जीवन की सुंदरता उसकी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में है। जितने ही इस आर्ट में वो प्रवीण होते हैं, उतने ही वो जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन की आर्ट नहीं है तो हमारे जीवन में वो सुंदरता वो रस भर नहीं सकते हैं। इसीलिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। परंतु कम्युनिकेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्कशन के रूप में और एक होता है डायलॉग के रूप में। डिस्कशन और डायलॉग का अर्थ क्या है? डिस्कशन शब्द एक लैटिन शब्द डिस्कस से लिया गया है और डिस्कस का मतलब है टू ब्रेक इनटू पीसेस, तोड़ देना। अक्सर करके हम ये तरीका ज्यादा अपनाते हैं कि जहां हम एक दूसरे की बात को तुरंत काट देते या तोड़ देते हैं या उसके भावार्थ को भी हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पद्धति आज के युग में अब धीरे धीरे मनुष्य की जागृति के हिसाब से लोग अब दूसरी पद्धति को अपनाना चाहते हैं और वो है डायलॉग सिस्टम। डायलॉग का अर्थ हम कोई पिक्चर के डायलॉग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग शब्द दो शब्द से आया है, डायलोगो, कि जिसका अर्थ है अ फ्लो ऑफ अ मीनिंग, कि जहां एक अर्थ भरी बातें हैं, जहां अर्थ एक दूसरे के पास से फ्लो हो रहा है, कि जिस बातों के अंदर तथ्य है, एक दूसरे की बात को काटते नहीं लेकिन जहां तथ्य है। इसीलिए डायलॉग और डिस्कशन में अंतर क्या है? डिस्कशन जहां है वहां एक तो जैसे कहा टुकड़े कर देना, दूसरा जहां हमें अपनी बात से इतना ज्यादा लगाव है जिस कारण से हम उसको सर्वोच्च सिद्ध करना चाहते हैं। परंतु डायलॉग सिस्टम में अपने विचारों से डिटैच होकर के व्यक्ति बात करता है कि ये मेरे विचार है, अगर आपको स्वीकार हो तो आप ले सकते हैं। किसी के ऊपर इंपोज नहीं करता है और अक्सर करके वो विचार सभी को प्रिय भी लगते हैं क्योंकि वो इंपोज नहीं किया गया है। परंतु जहां अटैचमेंट है अपने विचारों से तो इंपोज करने लगते हैं हम अपने विचार। तीसरा, डिस्कशन के अंदर दीवारें खड़ी हो सकती है परंतु डायलॉग में ब्रिजेस बन जाते हैं कि जहां बातें करते करते एक दूसरे के संबंधों में जो भी कटुता है उसको समाप्त करके हम ब्रिजेस को बिल्ड कर देते हैं और फिर से उसके माध्यम से वो संबंधों को वापस बना देते हैं। चौथी बात कि डिस्कशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो एक सुपरफिशियल लेवल पर है, बाह्य स्तर पर है, लेकिन डायलॉग में व्यक्ति अपने भीतर की क्वालिटीज के आधार पर कम्युनिकेट करता है। और पांचवी बात कि डिस्कशन के अंदर व्यक्ति अपने पूर्व धारणाओं से, पूर्व मान्यताओं से चिपक के रहता है, उससे दूर होना नहीं चाहता है। और अगर किसी ने कुछ कह भी दिया उस मान्यता के विषय में
कि नहीं नहीं ये मान्यता अभी छोड़ देनी चाहिए, तो वहां उसको और ज्यादा गुस्सा आ सकता है। जबकि डायलॉग सिस्टम में व्यक्ति अपनी पूर्व धारणाओं को भी चैलेंज कर सकता है, वो पूर्व धारणाओं को लेकर के नहीं चलता है, लेकिन कहता है कि चलो और रूप से कोशिश करें, देखें कैसे संबंधों में हम आ सकते हैं। इसीलिए डायलॉग के 5 गोल्डन रूल्स है कि जहां व्यक्ति जो भी बातें करता है उसमें ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है। दूसरी बात, वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है, दुख नहीं पहुंचाता है, इतना नॉन वायलेंट है। तीसरी बात कि वो कम से कम बातें एसेंसफुल करता है, फोकस्ड रहता है, यहां वहां की बातें करके जो तथ्य है उसको मिटा नहीं देता है, लेकिन वो तथ्य वाली बातें करता है। तो ब्रीफ होता है, कम शब्द में अधिक कह देता है। और चौथी बात कि वो दूसरे को भी जब सुनता है, दूसरे की बातों को भी जब स्वीकार करता है, तो अपने हृदय से सुनता है और स्वीकार करता है। और 5वां गोल्डन रूल है कि वो अपने पूर्व धारणाओं को मिटा भी सकता है। एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार कहीं पर एक व्यक्ति का हमेशा अपने मालिक के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं होते थे, कोई ना कोई बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट हमेशा हो जाती थी। मालिक को उस बात का हमेशा डर रहता था, जब भी उसको देखता था आज जरूर कोई नई बात लेकर के आया होगा और आर्ग्यूमेंट करेगा। एक दिन वो आदमी उसे मिलने आया, वो मालिक ने उसको कह दिया कि आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं, कल मिलूंगा। दूसरे दिन भी वो सुबह सुबह आ गया, तभी भी उसने कहा माफ करना, मैं आज नहीं मिल सकता हूं, मैं बहुत जल्दी में हूं, बाहर जा रहा हूं, चला गया। उसने कहा भी कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए आपका, बस 5 मिनट का काम है। परंतु किसी के द्वारा मालिक ने कहलवा दिया कि नहीं नहीं मुझे जाना है, बहुत जल्दी है आज, मुझे बाद में सुन लूंगा। तीसरे दिन से वो व्यक्ति एक हफ्ते की छुट्टी पर चला गया। मालिक ने सोचा भी ये तीसरे दिन आया नहीं और छुट्टी पर चला गया, पता नहीं क्या बात है। एक हफ्ते के बाद जब वापस आया तो उसको बुलाया, कहा उस दिन आप आए, हम बहुत व्यस्त थे, लेकिन क्या कहना है अभी आप बताइए। कहा नहीं, अब जो बात कहनी थी वो तो खत्म हो गई। कहा नहीं नहीं फिर भी बताइए आप। कहा नहीं मालिक, मेरी बेटी की शादी थी, तो शादी में मैं आपको इनविटेशन देने आया था। तो देखिए, जब व्यक्ति अपनी पूर्व धारणाओं को लेकर के चलता है कि जरूर ये नया कोई प्रॉब्लम लेकर के आया है, नई कोई डिस्कशन की बात करेगा और टाइम खराब करेगा, बर्बाद करेगा, ये जो उसकी पूर्व धारणा है वो हर जगह उपयुक्त नहीं हो सकती है। और समझो कि अगर वो उस समय उसको 5 मिनट का समय दे देता था और वो इनविटेशन को स्वीकार करके अगर 10 मिनट भी उसकी बेटी की शादी पर चला जाता था, तो आगे उसके लिए संबंधों को ठीक करने का एक अवसर था। लेकिन क्योंकि वह नहीं गया और उसने समय भी नहीं दिया उसे मिलने का, तो बाद में उसके लिए कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमें यही बताया जाता है कि कई बार हम बातें बहुत करना चाहते हैं और इतनी अर्जेंट होती है, इतनी इंपॉर्टेंट होती है 100%, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो हम 50% ही करते हैं, अधिक नहीं कर पाते हैं। आधी बातें दिमाग से
निकल जाती है। तीसरी बात कि जब करना बहुत कुछ चाहते हैं, कहा 50% और सुनने की क्षमता थी 40%, 40% ही हमने सुना और 30% ही हमने समझा और 20% ही हमने अपने अंदर उसको समाया, 10% उसका उत्तर दिया, प्रत्युत्तर दिया, और जो कहा वो तो बहुत कम। जैसे मान लो मिसाल के रूप में, आज हमें कहीं जाना है, एक मित्र से हमने कहा कि आप जो है शाम को 5 बजे हमें फलानी जगह पर मिलना और वहां से फिर हम साथ जाएंगे, और वो फ्रेंड को हमने वहां बुलाया, 5 बज गया, हम वहां पहुंच गए, इंतजार करते रहे, घड़ी में देखते रहे कितना बजा है कितना बजा है कितना बजा है, और वो फ्रेंड आया ही नहीं। उस समय मन के अंदर कितना गुस्सा चलता है, अब आने दो उसको, ये कहूंगा ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा, इतने मेरा टाइम खराब किया, ये किया, अनेक प्रकार के विचार मन के अंदर आ जाते हैं। आधा घंटा के बाद जब वो व्यक्ति पहुंचता है तो हम कहना कितना चाहते थे 100%, लेकिन उसकी हालत को देख करके हम 50% बोल देते हैं, और जिस वक्त हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है, हाँ ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन वो समझ बहुत कम रहा है, क्योंकि अंदर में वो अपनी तैयारी कर रहा है कि अब मुझे उसे क्या जवाब देना है, तो इसलिए वो सुनता कम है और समझता उससे भी कम है और दिमाग में रखता उससे भी कम है। और उसके बाद जब वो बोलता है, उसके बाद हम कितना बोल पाते हैं उसको रिटर्न में? 0। तो इसलिए बचपन की वो गेम याद आती है, चाइनीज विस्पर्स जिसको कहते हैं, कि जहां 10-12 लोगों को बुलाया जाता है और एक बच्चे के कान में कुछ कहा जाता है, फिर वो दूसरे को कहते, तीसरे को कहते, चौथे को कहते, पांचवे को कहते, और जब अंतिम 12वें व्यक्ति के पास वो बात आती है, या तो पूरी पलट गई होती है, या तो उसमें से कुछ भी नहीं रहा होता है, कुछ और ही बात आ जाती है, नई क्रिएशन हो जाती है, नई बात हो जाती है। तो इतना जगह से होते 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 लास्ट व्यक्ति के पास जब वो बात वापस आती है तो किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। उसके ऊपर एक कहानी याद आती है कि एक बार अकबर राजा ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, राजकोष में पैसे कम क्यों हो रहे हैं, खजाना कम क्यों हो रहा है, आता तो बहुत है और इतना ही है। बीरबल ने कहा कल सुबह सभा में उसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन जब सभा एकत्रित हुई, दरबार में सारे मंत्री लोग बैठे हुए थे, उस समय उसने एक बर्फ का टुकड़ा मंगाया और बर्फ का टुकड़ा घुमाया सबके हाथों में, और सारे दरबार में घूम करके अंत में जब वापस राजा के पास आया तो कहा, जैसे ये बर्फ कम हो गया वैसे ही राज्य कोष भी कम हो जाता है, आता बहुत कुछ है, लेकिन जैसे बर्फ अनेक हाथों से गुजरा और गुजरते गुजरते वो हाथों की गर्मी से पानी बन करके गिरता गया, तो अंत में वो टुकड़ा कितना छोटा हो गया। इसी प्रकार राज्य कोष में धन तो बहुत आता है, परंतु इतने लोगों के हाथ से जब वो गुजरता है तब राज्य कोष में बहुत कम हो जाता है। तो इसी प्रकार बातें भी जब एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे अनेक व्यक्ति के द्वारा वो पास ऑन होती है, तो वो बातों में या तो हम कट शॉर्ट करते हैं, कुछ बातें काट देते हैं,
या कुछ बातें अपनी ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने समझा वैसे हमने कहा, और या तो फिर हम उस बात को मोड़ना चालू करते हैं, तो कुछ काटते हैं, कुछ मोड़ते हैं, कुछ निकाल देते हैं, कुछ अपना एडिशन कर लेते हैं, इसलिए वो बात पूरी परिवर्तित हो जाती है और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जैसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है और जितनी उसके माइंड की क्लैरिटी होती है और जिस प्रकार का उसका इंटेंशन होता है, ऐसे वो बात बनने लगती है। माइंड क्लियर नहीं है तो वो मैसेज क्लियर रिसीव नहीं करता है। दूसरा कि प्रायोरिटी उसकी नहीं है तो स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं होने के कारण वो प्रायोरिटी को समझ नहीं सकता है। और तीसरी उसकी इंटेंशन अगर स्वार्थ भरी होगी तो वो बातों में उस प्रकार से एडिशन करेक्शन कर लेता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कितनी बातें हैं जिसको हमें ध्यान देना होता है और जिसके प्रति अगर ध्यान देते हैं तो वो बात सही जैसी है वैसी ही हमारे पास आ सकती है। कुछ स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप है कि जब भी हम बात करते हैं तो पहले तो अपनी मेंटल स्टेट इस प्रकार की बनाएं जो हम उस व्यक्ति को भी स्वीकार करें, उसकी बात को भी स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें हम। दूसरा फिर उसको समझे, क्वालिफाई करें कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है ये बात सुनाने का। मिसाल के रूप में जैसे एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसको स्वीकार कर लेता है, वेलकम करता है और फिर उसको उद्देश्य पूछता है कि अच्छा क्या हो रहा है, माने उसकी बात समझने के लिए सुनने के लिए पूरी तैयारी है उसकी, क्वालिफाई करता है कि हाँ तेरी बात को हम सुनेंगे समझेंगे। फिर उसके बाद वो जो कुछ भी कहता है, ये होता है ऐसा होता है यहां दर्द होता है ये भी होता है, तो वो डॉक्टर उसको सुनने के बाद फॉर्मुलेट करता है, अच्छा ये हो रहा है ऐसा भी होता है ये भी होता है, तो रिफॉर्मुलेट करता है। माना उसने ऐसे वैसे अलग अलग रूप से कहा हुआ है तो वो उसको सीक्वेंस बना करके रिफॉर्मुलेट कर लेता है। उसके बाद वो आइसोलेट करता है जो और चीजें उसने कही है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है उस बीमारी के साथ, उसको काट देता है और आइसोलेट कर लेता है यही है उसका प्रॉब्लम है। उसके बाद एसर्टन करता है, फिर से पूछता है अच्छा तो ये मुख्य प्रॉब्लम है आपका, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करता है कि क्या उसको हुआ है और फिर कंक्लूजन पर आता है कि ये हुआ है तो उसके लिए उसकी रेमेडी अभी क्या होगी, और वो कंक्लूजन माने निष्कर्ष निकाल करके फिर उसको आगे उस प्रकार की एडवाइस देता है। तो हमारा कम्युनिकेशन भी अगर इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारा 3 लेवल से होता है, एक हमारा कम्युनिकेशन दूसरों के साथ होता है, एक कम्युनिकेशन स्वयं के साथ होता है और तीसरा कम्युनिकेशन एक सुप्रीम अथॉरिटी के साथ होता है। ये 3 स्तर है कम्युनिकेशन के। दूसरों के साथ का कम्युनिकेशन तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब भी हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं उस समय हमारे कुछ वैल्यूज भी होते हैं जिससे कि दूसरे के साथ के कम्युनिकेशन में हम इफेक्टिव रहे, और वो वैल्यूज कौन से होते हैं? लव होता है, एक दूसरे को प्यार से बात करते हैं, रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे की बातों के प्रति, प्रायोरिटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है कि नहीं ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, तो रिस्पेक्ट लव पॉजिटिविटी साथ ही साथ शांति से एक दूसरे के साथ धैर्यता से
बातें करते हैं। अगर जल्दी जल्दी में व्यक्ति बातें करे तो वो बातों में मजा नहीं आता है। और जहां ज्ञान युक्त बातें हो, जहां बातों के अंदर कोई सार हो, तथ्य हो, तो ये कुछ वैल्यूज है कि जो वैल्यूज के माध्यम से हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं। परंतु इसी प्रकार क्या हम अपने आप से भी कम्युनिकेट करते हैं? दूसरों को तो हम समय देते हैं और इतने वैल्यूज के साथ हम उसके साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, लेकिन इतनी ही वैल्यू हम अपने आप को देते हैं। आज हम अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में अगर देखें तो सारा समय हमारी अपॉइंटमेंट्स दूसरों के साथ होती है, लेकिन अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में कभी हमने अपने आप को अपॉइंटमेंट दी है? जब अपने आप के साथ अपॉइंटमेंट हमारी है ही नहीं, तो फिर किस प्रकार हम दूसरों के साथ भी वो बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं? क्योंकि दूसरों के साथ का भी आधार तो स्वयं है, करने वाले तो हम है ना। तो करने वाले हम कौन है? जिस प्रकार एक कहानी याद आती है कि एक बार एक रिसर्चर रिसर्च करने निकला और पेरिस गया, वहां एफिल टावर का रिसर्च करना था। उसको सोचा किससे पूछूं अब इस एफिल टावर के विषय में। एक व्यक्ति उस टावर के नीचे बैठा था और उसने देखा कि 2-3 दिन से लगातार वो आता था और उस टावर के नीचे बैठता था। उसके पास जाकर के उसने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं ये एफिल टावर के विषय में, क्योंकि 2-3 दिन से मैं देखता हूं आप रोज यहां आकर के कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो इसलिए शायद आपको ये एफिल टावर बहुत पसंद होगा। कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तो उसको आश्चर्य लगा, पसंद नहीं है फिर भी नीचे बैठे हैं? कहा इसीलिए बैठा हूं क्योंकि सारे शहर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से ये नहीं दिखता हो, यही एक स्थान है जहां से ये नहीं दिखता है। इसी तरह हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, और अपने लिए समय नहीं है साथ ही साथ जो सुप्रीम एनर्जी है उसके साथ भी हम बातचीत कर नहीं पाते हैं। इसीलिए क्योंकि जहां अपने लिए ही समय नहीं है तो परमात्मा के लिए तो कहां से समय होगा। मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को भी समय दे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और उस सुप्रीम सोर्स के साथ भी कम्युनिकेट करें कि जिसके माध्यम से हम अच्छी तरह से अपने जीवन को सुंदर, सुखमय, शांतिमय बना सके। क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही जीवन में ये क्वालिटीज स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ओम शांति।